गाइस देखो यान कहाँ चढ़ गया, देखो यान कहाँ चढ़ा हुआ है देखो, पर तुम वहाँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, तो स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो अभी कसी ना गाइस हम जाने वाले अपने खाला किया, तो उनसे मिले हुए 2 साल हो गए, आज उनसे मिलेंगे बहुत दिन बाद, तो मज़ा आने वाला आज के व्लॉग में। तो आपको खाला के जाके मिलते हैं वहाँ पर। तो ओके गाइस हम यहाँ लेटा हुआ और ऐसे ही वेट कर रहे हैं। अभी हमने मज़ा पिया मज़ा और अभी नाश्ता आ रहा है, मज़ा पिया हुआ है। यहाँ बैठा हूँ, यहाँ लेटा हूँ, ये देख सकते हो, यहाँ व्यू देख सकते हो, यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है। ये अमरूद के पेड़ हैं, छोटे छोटे अमरूद भी हैं। छोटे छोटे अमरूद है ना उषा, नींबू अमरूद है, नींबू ये तो रहे, ये अमरूद है और ये नींबू है, इधर भी है नींबू, गाजर छोटा, ये नींबू है और ये अमरूद है, ये रहा देखो, और आगे भी है। तो ये आम का पेड़ है गाइस, नहीं आम नहीं है, ये क्या चीज़ आपकी। तो गाइस ये आम का पेड़ थोड़ा ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, मतलब ये आम है ना, नहीं आम है ये, आम है। हाँ गाइस आम है, कच्ची कैरी, बहुत प्यारा है देखो, और आगे भी है। ये सारे में सोच रहा है किसी ने यहाँ से तोड़ लिया, ये होम टाउन है इनका, गार्डन दिया हुआ, इसमें सारे पेड़ दिए, सारे आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ सारे तोड़ दिए। यहाँ से व्यू, यहाँ का यहाँ का व्यू देखो, मौसम भी ठंडा हो रहा गाइस। ये गाड़ी मेरे खालू की है गाइस, यहाँ का व्यू गाइस, ये बीच में घर है खेत में और यहाँ से पूरा व्यू है। तो चलते हैं अंदर हम लोग। तो गाइस देखो हम आ चुके घर में, आया नहीं रहा इल्मा, देखो कितनी क्यूट है इल्मा, अकेले अकेले फिर रही हो। हाँ माला पी रही है ना इनमें, माला पी रही है ना पीली। इफ्रा ये खा रही है, इफ्रा गाइस मेरी खाला की बेटी है, अभी कितने महीने की है, इस साल कितने, 2 साल की है ना। हाँ इफ्रा 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 नहीं। तो गाइस अभी नाश्ता, तो अभी नाश्ता कर लिया है और अभी आराम कर रहे हैं पूरा, तो आराम करके आते मिलते थोड़ी देर में। इफ्रा 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 ई बचाओ, ए आराम से आराम से इफ्रा। अच्छा बोलो पापा, मम्मी, मम्मी और शाहिद भाई, कायनात, आयान। तो गाइस तो अभी बोलो गाइस, अभी 2 साल की गाइस बहुत छोटी है देखो, पर फिर भी बोल बहुत ज्यादा छोटी है। ये लो इकरा, क्या पर भी हो रहा है, क्या पर भी बदल रहा है, पूरे दिन पकाते रहते हैं सब्जी। गाइस घर के बाहर का व्यू ऐसा है, गाइस इस आवाज़ को इग्नोर करना, वहाँ से आवाज़ आ रही है मंदिर से, उनका कुछ भजन चल रहा है इसलिए आवाज़ को इग्नोर करना। व्लॉग करने में गाइस मुझे वो हो रहा है थोड़ा परेशानी, आवाज़ बहुत आ रही है साउंड। तो गाइस ये घर के इस तरफ का गेट की ये है व्यू, जैसे बालकनी होता है ना वैसे ही है, पर ये ग्राउंड फ्लोर का बालकनी नॉर्मल है, ये ग्राउंड फ्लोर से दिख रहा है ऐसा। इधर से भी गेट है और उधर से भी गेट है, ये मतलब ये क्या है, बीच में पूरा चारों तरफ खेत है, अब बीच में बड़ा हवेली है ये घर है, पूरा चारों तरफ रोड है देखो, ये रोड है यहाँ से, रोड है ये, बीच में घर है और बीच में खेत है, ये सारे साइड से पूरा खेत है। इफ्रा ऐसे करो, हाय करो, हाय हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय हाय ऐसे करो इफ्रा,
इफ्रा तो गाइस देखो कितनी क्यूट लग रही, कितनी क्यूट सी है यार ये इफ्रा। इफ्रा पे यहाँ का छत दिखाते हैं आपको पूरा। गाइस ये लोग भी छती पे थे, ये लोग भी मतलब कैसे लटकी हुई देखो। मैं देखो मैंने कहा, जैसे मैंने कहा था कि ये घर जो है ना बीच में, देखो पूरा साइड में खेत है, पूरा साइड में खेत है गाइस, पूरा साइड में खेत है। और मैं वहाँ से ना वो रोड है और ये बीच में घर है, हवेली की तरह बीच में, और ये घर भी पूरा हवेली की तरह है, हवेली के साइज में है देखो, और बीच में बालकनी है घर का। गाइस एक चीज़ बताओ, इधर आओ। क्या गाइस यहां पर हम हाँ दोगा जी, ये फिर यहाँ पर रोड दिया हो चढ़ने के लिए, हर जगह चारों तरफ है गाइस। आंटी तोड़ रही है, कितनी डंडी है गाइस देखो, ये देखो ये पूरा वहाँ ऊपर पूरा फुल पेड़ तक जा रहे हैं गाइस। ओहो गाइस बड़ी तेल लग गई ये लोहा मेरे को याला। मैं कहता ना गाइस पूरा देखो साइड साइड में पूरा ये है खेत और बीच में घर है वाला, पूरा बीच में गाइस पूरा मेंग लग रहा है मेंग। गाइस मतलब हम घर जाएंगे ना तो यहाँ से रास्ता जाने का, यहाँ से रोड हो गए ऐसे ऐसे करके जाने घर का रास्ता, और यहाँ से ये पार जाने का तो यहाँ से चले जाएगा ऐसे खेत खेत हो गए यहाँ से देखो। बस खालू देखो बाइक पे जा रहे हैं, देखो खालू जा रहे गाइस। मैंने कहा था ना गाइस ये रास्ता जाने का रास्ता, खालू भी कहीं जा रहे होंगे, वो उनकी मम्मी को लेके जा रहे डॉक्टर के पास शायद, खालू जा रहे वो तो यहाँ पर। अमरूद का पेड़ गाइस ये इसका पेड़ है आपको का, इसे कहते हैं इस पेड़ को, पता क्या कहते हैं ये वाला पेड़ जो पेड़ है, इसे कहते हैं तार का पेड़, तार कहते हैं तार जो पेड़ है, इसे कहते हैं तार। हाँ गाइस तार की तरह लग रहा है, तार की तरह भी है गाइस। जो पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना गाइस प्लीज़, ये भजन हो रहा है इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे इग्नोर करना गाइस प्लीज़, इग्नोर करना इग्नोर। मुझे व्लॉग बनाने व्लॉगिंग करने में दिक्कत हो रहा है गाइस। और ये गाइस ये आम का पेड़ सा भी है, आम के पेड़, और ये गाइस ये लीची का पेड़ है, ये लीची का पेड़ है ना, हाँ लीची का, हाँ तो ये लीची वाला पेड़ है और ये आम का पेड़ जो है आम, हाँ मैं भी कच्ची कह रही है गाइस ये। और गाइस देखो ये इसे ये देखो कहाँ छोड़ा हुआ है, तकिया गिरा था, गिलाफी गिरी थी गाइस, गाइस ये पिलो के कवर गिरा था इसको उठाने यहाँ पर आया था, देखो ऐसे डर तो नहीं है यहाँ पर, तब भी गाइस बच्चा है ना यहाँ पर जो छोड़ा हुआ है। नहीं अभी पूरा यहाँ से चप चल के आ रही है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई बेचारी, फाइनली आ गई, फाइनली आ गई ना इल्मा, पूरा जीत गए ना, जीत गए ना, हारी जीत गई ये। तो गाइस मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत वो हो रहा है डिस्टर्ब, क्योंकि यहाँ भजन चल रहा है बहुत, भजन चल रहा है बहुत देर से, तो ब्लॉग में ना आवाज़ भी नहीं आ पा रही, इग्नोर करना गाइस आवाज़ को, क्योंकि मैं अपना माइक लाना भूल गया और आवाज़ बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, क्योंकि पास में ना घर से सामने ही है, सामने मंगा ले रास्ते में, इसलिए गाइस सॉरी इग्नोर करने से आवाज़ को। और गाइस ये मेरे जो खालू का है उन्हीं का छत है ये, जिसमें मैंने आपको कहा कि बीच में एकदम घर, साइड साइड में पूरा खेत है और रोड है बीच बीच में, और खाली बीच में ही घर है, और कुछ ये पूरा इतना चौकस रहता है एकदम रैंडम लगता है, रैंडम घर रैंडम लगता है, फुल हवेली की तरह आराम से हमें हॉरर मूवी शूट कर सकते हैं आराम से, पूरा पूरा चारों तरफ खेत है और बीच में हवेली टाइप का पूरा, और गया मज़ा आता है गाइस। और साइड में पूरा पेड़ है अमरूद का, कच्ची कैरी का, तार का, केला का, वो फिर सब का क्या बहुत पेड़ है, मुझे इतना नाम भी मालूम नहीं जितना होता है। तो आपको जैसे मैं दिखाया सारा चारों तरफ, यहाँ पर क्रिकेट खेलने में मज़ा आएगा, पूरा चौड़ा है एकदम, पिच बना दूँ आराम से, दो तीन पिच बन जाएगी। और जो मेरे खालू हैं
वो यहाँ के नहीं है, ना बिहार के, ना वो दिल्ली के, ना कहीं के, वो वहाँ के हैं, वो सऊदी में रहते हैं, है तो बिहार के पर मतलब वो सऊदी में रहते हैं, बहुत दिन से सऊदी में रहते हैं। अभी वो आए हुए थे, उनको भी एक साल हो गए आए हुए, वो होते हैं छुट्टी देते हैं, तो एक साल उनको आए हुए सऊदी से, तो अभी यहाँ रहते हैं सऊदी से, उनका यहाँ सऊदी में भी मकान है, इनका यहाँ पर मकान है, तो सऊदी में रहते हैं, तो इसलिए ना जो चीज़ ज़्यादातर सऊदी की, यहाँ पर जो चीज़ लगी ना वो सऊदी की लगी हुई है, बहुत कुछ सऊदी की चीज़ है, और उनको सब जानते रहते हैं, यहाँ सब जानते हैं यहाँ पर। पर यहाँ का व्यू इतना मस्त आ रहा है, मौसम देखो गाइस इतना प्यारा हो रहा है, मौसम फुल एकदम ठंडा मौसम हो रहा है, और ब्लैक हो रहा है, ब्लैक एंड वाइट फुल इन्जॉय। और आवाज़ का इग्नोर करना, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इतना ब्लॉगिंग डिस्टर्ब होना, छत पर आया हूँ थोड़ा ब्लॉग करने, अभी नीचे फैमिली आई हुई ना, फैमिली थोड़ा ब्लॉग करना थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, सब बातचीत करते रहते, इसलिए दिक्कत ना। और बस यही सब था, और आपको दिखाते आगे का, तो थोड़ी देर में मिलता है आपसे। गाइस देखो अयान कहाँ चढ़ गया, देखो अयान कहाँ चढ़ा हुआ है, देखो पर तू वहाँ चढ़ गया, वहाँ की चढ़ा, देखो गाइस कितना ऊंचा है, वहाँ चढ़ गया गाइस, देखो पूरा एकदम इतना ऊपर चढ़ गया, तो तू वहाँ क्यों चढ़ गया भाई। गाइस हम लोग अभी व्लॉग कर रहा था जैसे मैं यहाँ पर, तो ये देखा तो ये इतना ऊपर चढ़ा, इतना ऊपर गाइस देखो, ऐसा लगा आसमान छू रहा है, पर आसमान नहीं छू रहा है, ऐसा एक बात यहाँ पर एकदम काला दिख रहा है गाइस, ऊपर शाइन आ रही है फेस पे, इसलिए तो इतना ऊपर चढ़ गया। तो गाइस मैं व्लॉगिंग कर रहा था, इधर इधर दिखा रहा था, तो ये ना चढ़ गया इतना ऊपर, इतना ऊंचा लग रहा था गाइस, इतना ऊंचा है, ऐसा आसमान टक्कर दे रहा है, मैंने उसको बहुत डांटा, उतर उतर नीचे उतर, इतना उतर गया, इतना ऊपर चला गया, तो उतरा नीचे, तो कह रहा है मैंने क्या कर रहा था, कह रहा ऐसे चल रहा था इतना ऊँचा, मैंने पागल गया, हल्का गिर गया, इतना पतला बाउंड्री गाइस देखो, इतना पतला बाउंड्री गया एकदम, अच्छा गिर गिर गया, तो उस पर चढ़ रहा था, वो नहीं गाइस ये हट जो हट बना हुआ है, इस पर चढ़ रहा था, मैंने इसको बोला मना किया, उस पर चढ़ना, इतना पतला बाउंड्री गया दिखाऊँ, इतना ये जिस पर चढ़ रहा था बता रहा था, चढ़ रहा था यार बाउंड्री चढ़ता यार बाउंड्री पे, ये यार पे इतनी पतली बाउंड्री है, और साइड साइड पूरा खेत है, बताओ इतनी पतली पे चढ़ गया, ये इतना पतला पे, कभी गिर भी गया तो इसे देखिए बच्चे चढ़ जाएंगे, यहाँ पर इलमा चढ़ रही है, देखो यहाँ पर चढ़ रही थी अभी, मैंने आपको दिखाया भी है, मेरे से डाटा भी भाई क्यों चढ़ रहा है ऐसे, तो फिर छोड़ा उतारा नीचे, तो ऐसे आप खेलने लगा, यहाँ पर इन लोग फोटो शूट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। गाइस बहुत आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, साउंड आ रही है ऐसे बहुत ज़्यादा वाले, तो ब्लॉगिंग करने में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा वाला। अभी मैंने नाश्ता भी कर चुका है, जैसे मैंने आपको दिखाया नाश्ता कर लिया, और माजा फिर हम लोग आए माजा मिला हमें पीने के लिए, फिर नाश्ता सा कर लिया, तो हम थोड़ी देर में निकलेंगे अब, हमें तो बोला खाना खा के जाओ, इतना सब बोल रहे, पर हम मना नहीं यार, अब खाना खाने लेट हो जाएगा, फिर अंधेरा हो जाएगा, और घर जाना जरूरी है इतना, इसलिए उधर भी खाना है, उधर भी खाना बना, कोई हम इधर जाएंगे कोई उधर उधर से दावत देगा, सब बुलाते रहते हैं ना, इसलिए तो जाना ज़रूरी है घर भी, इसलिए तो हम देखते हैं अब अभी निकलते हैं, थोड़े आधा घंटा एक घंटे में निकल जाएंगे, एक घंटा तक निकलेंगे, तो फिर चलते हैं, आप खा दो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं हम। तो गाइस बहुत तेज़ वाली बादल लगा हुआ है, देख सकते हो पूरा ब्लैक हो चुका है बादल, मेघ लग गया बहुत हेवी आला, बारिश अभी हुई थी थोड़ी बहुत, अभी और होगी, अभी मेघ तो बहुत हेवी लग गया, ऐसे हम घर गए नहीं, तो हमें खाने के लिए बोल दिया रुकने के लिए कि खाना खा के जाना, अभी खाना खा के जाना पड़ेगा, बहुत 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 रिक्वेस्ट किया रुकने के लिए, तो हम रुक के जाएंगे, और वहाँ पर इनमें चिल्ला रही है देखो, यहाँ आनंद ले रहे बैठ के हम लोग, थोड़ा हवा बड़ी अच्छा चल रही है, हवा कितना अच्छा चल रहा है, देखो देखो क्या हिल रहा है पेड़, तो अभी यहाँ पर बादल बहुत अंदर लगा हुआ है, अभी थोड़ा बारिश बहुत हेवी वाला होगी देख सकते हो, और फिर जाने का फ़ायदा नहीं ना, गिरे गिरे हो जाएंगे, ऐसे गाड़ी तो आ रही है हमारी अभी, तो अभी बोला खाना खा के जाने के लिए, तो खाना खा के जाएंगे, तो ये खाना आपको खाना के टाइम दिखाते हैं पूरा व्यू कि गाइस गाइस फाइनली अब हम घर से निकल गए हैं, और देखो ये रहा घर, और अब जा रहे रास्ते में हैं, अभी हमारी गाड़ी आई हुई बाहर, तो हम निकल रहे हैं। तो ये गाइस फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ, और खाले कैसे आ गया, खाना ना खा लिया, अब रात भी हो गई देखो अंधेरा हो गया, तो इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करना, लाइक करना, जो नया चैनल पर सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ कल सुबह, ओके गाइस बाय।